भाजपा के पिपराइच विधानसभा के प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह ने 1,41,780 वोट पाकर दूसरी बार जीत हासिल किया। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद से 65,357 वोट ज्यादा पाकर जीत हासिल की, जबकि सपा प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद ने कुल 76,423 वोट पाया। जिसके संबंध में भाजपा के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पिछले कार्यकाल में हमने 1700 करोड़ का कार्य किया, लेकिन यह कार्य विरोधियों को दिखता नहीं था, लेकिन यह सब कार्य जनता देख रही थी और यह पूरी जीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण ही हो पाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं और पिपराइच की जनता को होली की शुभकामना देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधानसभा के प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह ने कहा, देखिए काम तो बहुत हुआ है। 2017 से 22 के बीच में 1700 करोड़ रुपए का काम पिपराइच विधानसभा में हुआ है, लेकिन विरोधियों को दिखता ही नहीं था। वो ये जनता देख रही थी कि कितना काम हुआ है और ये सब मुख्यमंत्री जी, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो मैं समझता हूँ कि गोरखपुर पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। हम सब आजमगढ़ में गए थे, वहाँ पर अतरौलिया विधानसभा, वहाँ पर जब हमने पूछा कि ये बताइए, यहाँ से तो मुलायम सिंह यादव जी सांसद थे, अब उनके लड़के हैं, आप एक बात बता दीजिए कि अखिलेश जी जब आए तब तो हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए, उसके पहले आप बता दीजिए कि मुलायम जी थे तो क्या ऐसी बिजली मिलती थी? तो लोगों ने कहा हाँ बिजली तो मिलती थी, लेकिन हमने कहा ऐसी मिलती थी करा नाई बाबू ऐसा तो नहीं मिलत रहा। तो जो सांसद अपने आजमगढ़ में उतनी अच्छी बिजली नहीं जैसा जितना योगी जी दे रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से कहीं बिना भेदभाव के हर जिले में बिजली दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चार जिले में, कि गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, देवरिया बस्ती, नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ उनके भी गृह जिलों में जो भी है पूरा उत्तर प्रदेश को ये बिजली दे रहे हैं। तो विकास के तो इतने कार्य हुए हैं, सुरक्षा, सुशासन, नारी की सुरक्षा, ये भ्रष्टाचार, गुंडाराज, ये जो समाप्त किए हैं इसी पर चुनाव हुआ है, सारा चुनाव इसी पर हुआ है। ये लोग तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि गुंडाराज है, भ्रष्टाचार है, नारियां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित, लेकिन पब्लिक है बाबू, पब्लिक सब जानती है कि किसके शासन में हम सुरक्षित हैं। तो योगी जी के शासन में पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, तो आज प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक आपने विकास की बात की है तो विकास मैंने बता दिया कि 1600-1700 करोड़ के काम हुए हैं, बाकी जो बचे हैं वो हम सब 2022 से 27 के बीच में मोदी हैं मुमकिन है, योगी हैं मुमकिन है, सब कराने का हम सब कार्य करेंगे। पिपराइच की जनता के लिए क्या कहना चाहूँगा? पिपराइच की जनता को मैं होली की शुभकामना देता हूँ और मैं यही कहूँगा कि सब द्वेष मिटा करके सबको साथ लेकर के होली मनाएं।